वाला समझती तो है कम से कम कि कांग्रेसी बिकाऊ है। अरे भाई, कांग्रेसी वस्तु की तरह क्यों बिक रहे हैं? वस्तुएं बिक्री होती है ना, गुड्स बिक्री होते हैं। इसका मतलब कांग्रेस क्या कहना चाह रही है कि हम बिकाऊ माल हैं? रेट बढ़ा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी फ्री में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है और पैसा से भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय लोकतंत्र के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करती है। ये कांग्रेसियों ने कांग्रेसियों को फंसाने का काम किया और मेरा स्पष्ट कहना है ये कांग्रेसी आदिवासी विरोधी हैं, ईसाई विरोधी है और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम विरोधी भी है। ये कितना भी घड़ियाली आंसू बहा ले, स्पष्ट हो गया है कि दो अल्पसंख्यक यानी एक ईसाई और दूसरा मुसलमान, हम मुसलमान और एक बेचारा आदिवासी, ये तीन लोग जो है फंसवाने का काम कांग्रेस ने किया है। सुनने में आ रहा है कि उन विधायकों ने और बहुत लोगों का नाम ले लिया, और विधायकों का, इरफान अंसारी ने सीआईडी से पूछताछ में पांच और विधायकों का नाम लिया है, कहा है कि हम तीन ही नहीं थे, उसमें पांच लोग और थे, उनसे भी पूछताछ की जाए। नहीं, अब उन लोग पांच लोग नहीं थे, आठ लोग थे, तो किस चीज में थे ये तो वही लोग बताएगा। लेकिन एक कांग्रेसी के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये कांग्रेसी यहाँ का धन, झारखंड का धन बांग्लादेश भेजने का काम कर रही है। ये कांग्रेसियों का, ये जो कांग्रेस के प्रभारी आते हैं, ये सारा पैसा झारखंड को लूट करके और बांग्लादेश भेजने की तैयारी में थे। ये तो शुक्र है कि पकड़े गए, अन्यथा सारा पैसा बांग्लादेश चला जाता। सरयू राय जी कह रहे हैं विपक्ष को इस बात में कहीं गंभीरता नहीं लगती कि सरकार सदन में वर्तमान परिस्थिति को लेकर कोई जवाब दे। वो लोग कह रहे हैं बात विपक्ष भी नहीं सुनना चाहती, सरकार बोलना भी नहीं चाहती। बोल रहे हम कार्य स्थगन लेके आए थे कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करना चाहिए। ये बात सही है कि माननीय विधायक सरयू राय जी ने कार्य स्थगन दिया था, लेकिन वो कार्य स्थगन विधानसभा के अंदर ले नहीं हुआ, पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। मैंने उनका कार्य स्थगन दिया देखा था, तो कार्य स्थगन के लिए वो स्पीकर साहब से मिले थे और बोले थे कि कम से कम पढ़ने के तो छूट दे देते, तो पढ़ने का भी छूट नहीं दिया। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल आज के दिन पेशोपेश में है और यही कारण है जो फंसते जा रहे हैं, उन्हीं के विधायक इस मामले में फंस रहे हैं और फंसाने वाला भी कांग्रेस ही है। अरे मेरे मुझे यदि कहिएगा तो मैं कहूँगा जो बड़ा खिलाड़ी है वो तो सदन के अंदर है, अनाड़ी लोग फंस गया है बस। तो विपक्ष भी नहीं सुनना चाह रहा, नहीं तो निर्दलियों का समर्थन मिलता। पूछताछ हो, पंकज मिश्रा को वीडियो उठाया जाए या ये कैश कांड है, अभी तक हम लोग सीएम का बयान नहीं देखे। अब ये तो आप सीएम साहब से पूछिएगा तो बेहतर होगा, कल शायद आपको ये जवाब मिले। एक और बात आ रही है कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की है सरयू राय कि आज लगे, 10 दिन बाद लगे, 20 दिन बाद लगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। सीपी सिंह भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, माननीय सरयू राय जी का अपना विचार हो सकता, हर विधायकों का अपना अलग अलग विचार है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार, जो सरकार है, जो सरकार की स्थिति है, वो बड़ा अच्छी नहीं है, बस इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद सर। चलो जी, जिसका जिसका।